कामाख्या धाम स्टोरी। भारत भूमि पर आज भी हजारों ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां पर चमत्कार होते हैं जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, परंतु कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में देवी प्रतिमा रजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको रामराजन में बता रहे हैं एक ऐसे ही मंदिर की कहानी। दोस्तों, यह अनोखा मंदिर है माँ कामाख्या देवी मंदिर। गुवाहाटी असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर देवी के 52 शक्ति पीठों में से एक है और यह शक्ति पीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया था, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव के अंग काटना शुरू किया और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे वहीं पर 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहां पर कामाख्या देवी शक्ति पीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी जो आज भी मंदिर में विराजमान है, जिससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है। कामाख्या धाम में अंबुवाची मेले का आयोजन होता है। इन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। यह प्रक्रिया 3 दिनों तक चलती है। इन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है और ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद 4th दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती। मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारी प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं तब ये वस्त्र रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्धि सुलभता से प्राप्त हो जाती है। तो ये थी रामराजन में माँ कामाख्या की कहानी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।